तो हेलो गाइस, आज हम बात करने हैं तीन भाइयों की। हम बात करने वाले हैं टॉम, डिक एंड अब, मेरा मतलब हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 11, 11 प्रो एंड 11 प्रो प्लस। यहां पे आपको 11 प्रो मैक्स देखने को नहीं मिलेगा इस बार। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके निर्माण गुणवत्ता की, यानी कि आपको यहाँ पे इनकी बिल्ड क्वालिटी कैसे मिलने वाली है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे छोटे भाई की रेडमी नोट 11 की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 6.6 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन विद IPS डिस्प्ले, और वो भी बीच का भागने वाला डिस्प्ले, यानी कि आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो जब हम बात करते हैं आप इन दोनों बड़े भाइयों की, प्रो की और प्रो प्लस की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 6.67 इंच की स्क्रीन, जो कि थोड़ी बड़ी है, और यहाँ पे फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको चकाचौंध वाले कलर देखने को मिलेगी, यानी कि AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगी, तेज भागने वाला डिस्प्ले, यानी कि 120 हर्ट्ज। जब हम बात करते हैं इनके स्क्रीन के प्रोटेक्शन की, तो छोटे भाई को यहाँ पे Redmi Note 11 को कोई भी प्रोटेक्शन जो दिया गया उसके बारे में बताया नहीं गया। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रो की और प्रो प्लस की, तो यहां पे बंदर वाला ग्लास, यानी कि गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है फ्रंट में। जब यहां पे हम बात करते हैं इनके बैक पैनल की, तो भाई यहां पे जो छोटा भाई है, फिर से यहां पे उसके साथ कटौती की गई है। यहां पे उसको ग्लास बैक नहीं दिया गया है, यहां पे पॉलीकार्बोनेट बोल के उसको दिलासा दे दी गई है। लेकिन हम जब बात करते हैं 11 प्रो की और 11 प्रो प्लस की, तो यहां पे आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाता है। तो भाई यहां पे मस्त एकदम धुचुक धुचुक आपको प्रीमियम फील देखने को मिलेगी दोनों बड़े भाइयों के अंदर। Redmi Note 11 के अंदर पता नहीं चल रहा कि यहां पे अपग्रेड हुआ या डाउनग्रेड, क्योंकि पहले यहां पे Note 10 के अंदर आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती थी, इस बार लेकिन इन्होंने IPS छाप के दे दी। तो भाई अब क्या कर सकते हैं। तीनों ही फोन के अंदर हेडफोन जैक की मृत्यु नहीं करी गई है, यहाँ पे आपको तीनों फोन के अंदर हेडफोन जैक देखने को मिल जाते हैं। तो अपने सस्ते 150 रुपए वाले ईयरफोन भी लगा के आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तीनों फोन के अंदर यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट मिलता है, यानी कि आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। रैपिड मार के तीनों ही फोन को आप अनलॉक कर सकते हो। लेकिन मेरे को लग रहा था कि यार जो भी AMOLED स्क्रीन वाले फोन है 11 प्रो और 11 प्रो प्लस, उनके अंदर तो यार अंगूठा छापने वाले, यानी कि ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर दे देना चाहिए था यार, थोड़ी और प्रीमियम से फील आ जाती। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे तीनों ही फोन के अंदर IP53 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप शाम को खेतों में बोतल लेके जाते हैं, तो पानी वानी अगर फोन के ऊपर गिर गया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फोन खराब नहीं होगा। जब यहाँ पे हम बात करते हैं स्टीरियो स्पीकर की, तो भाई छोटे भाई को फिर से दिलासा दे दी गई है। यहाँ पे जो 11 आता है उसके अंदर कोई भी आपको देखने को नहीं मिलते स्टीरियो स्पीकर, लेकिन जब हम बात करते हैं दोनों बड़े भाई की 11 प्रो 11 प्रो प्लस की, तो यहाँ पे आपको हमारे JBL दादा द्वारा ट्यून्ड आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, जिससे भाई अच्छा है, भाई गेमिंग विंग में काफी धुचुक धुचुक की फील आएगी और थोड़ा आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। मेमोरी कार्ड के बारे में कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अभी देखने को नहीं मिल रही कि भाई इसमें स्लॉट आएगा नहीं आएगा, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भाई उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। ओवरऑल अगर इनके निर्माण गुणवत्ता के बारे में बात करूं, तो भाई डिसेंट सी लग रही है प्राइस के हिसाब से। अब जब इंडिया में आएगा तो पता चलेगा कि भाई कैसी एकदम निर्माण गुणवत्ता आपको हाथ में देखने को मिलती है, लेकिन देखने दिखाने में तो भाई थोड़ा प्रीमियम सा फील हो रहा है। अब बात करते हैं इनके प्रदर्शन की, यानी कि आपको इन तीनों फोन के अंदर परफॉर्मेंस कैसी मिलने वाली है। तो भाई तीनों ही भाइयों का इस बार ड्रैगन वाले प्रोसेसर के साथ ब्रेकअप हो गया, यानी कि आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं डायमेंसिटी के प्रोसेसर। तो जब हम बात करते हैं Redmi Note 11 की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डायमेंसिटी का 810 प्रोसेसर। और जब हम बात करते हैं इन दोनों के बड़े भाई की, यानी कि Redmi Note 11 Pro और Pro Plus की, तो भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 920G। तीनों भाई प्रोसेसर आपको यहाँ पे 5G के मिलते हैं, और यहाँ पे 6 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, तो काफी पावर एफिशिएंट होने की उम्मीद है। अब होंगे नहीं होंगे भाई उसका क्या पता चलता है। और जब हम बात करते हैं खेल कूद की, तो भाई तीनों प्रोसेसर मतलब काफी डिसेंट प्रोसेसर है। तो आप तीनों ही प्रोसेसर के अंदर, यानी तीनों फोन के अंदर यहाँ पे आप खेल कूद कर सकते हो, पबजी खेल सकते हो, नकली पबजी फ्री फायर ये सब खेलना चाहते हो, तो मतलब ओवरऑल चांसेस है कि यहाँ पे आप सब खेल पाओगे। प्रॉब्लम यहाँ पे वो आगे खड़ी होती है, यहाँ पे आपको तीनों ही फोन के अंदर MIUI देखने को मिलेगा। तो भाई कुछ लोगों को MIUI तो बहुत ज्यादा पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि ब्लॉटवेयर के साथ साथ चुपचाप धीरे से भाभी वाले एड्स भी चला देते हो कई बार नोटिफिकेशन के अंदर। तो एड्स वेड्स का जो मतलब कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। उम्मीद है यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिलेगा, तो उसके साथ क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में तो भाई फोन आएगा तभी पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको 5G भी देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया के अंदर यहाँ पे आपको 5G के कितने बैंड्स मिलने वाले हैं भाई पता नहीं, क्योंकि भाई इंडिया लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेरे को जितना लगता है Xiaomi काटेगा नहीं, अच्छे खासे आपको बैंड्स यहाँ पे आपको 5G को देखने को मिलेंगे तीनों फोन के अंदर। तो दुचुक आप 5G चला पाओगे, भले इंडिया में 5G आएगा लेट, लेकिन जब आएगा तब चल जाएगा। तो ओवरऑल इनके प्रदर्शन के बारे में बात करूं, तो भाई जैसा प्रोसेसर यहाँ पे तीनों फोन के अंदर देखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, तो खेल कूद तो सर्टिफाइड होने वाला है फोन। अब बात करते हैं कि भाई तीनों कैमरा पिक्चर कैसे लपकेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी कैसे मिलने वाली है तीनों ही कैमरे के अंदर। तो जब हम छोटे भाई की बात करते हैं, तो यहाँ पे छोटे भाई को भाई दिलासा देकर डुअल कैमरा सेटअप दे दिया है। भले ही पीछे देखने में लगता है कि यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, लेकिन दो ही कैमरा आपको देखने को मिलते हैं रेयर में। एक तो आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, फिर एक ज्यादा दुनिया देखने वाला भाई अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। जब हम दोनों के बड़े भाई की बात करते हैं, यानी कि 11 प्रो की और 11 प्रो प्लस की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको श्री 108 मेगापिक्सल का कैमरा
कैमरा देखने को मिलता है, फिर यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, मतलब ज्यादा दुनिया देख पाओगे, और फिर 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और मैक्रो लेंस देखने को मिलता है, यानी कि दूर भी उसी लेंस से देख लोगे और छोटी चीज को बढ़ा करके भी देख लोगे, तो भाई गुल्ली को गुल्ला करने के लिए एक लेंस दिया गया, तो मतलब बढ़िया है। जब हम बात करते हैं इन तीनों के भाई फ्रंट कैमरा की, यानी कि थोपड़े की फोटो कैसे आएगी, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर कैमरे की बात करें तो भाई Xiaomi का कैमरा ना थोड़ा डिसेंट आता है, ना तो ज्यादा बढ़िया आता है ना जो ज्यादा बेकार, तो उम्मीद कर सकते हो कि डिसेंट तो आएगा, और अगर ज्यादा बढ़िया आएगा तो आपको रिव्यूज के अंदर पता लग जाएगा। तो मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन तो है कि कैमरा अच्छा आएगा, तो भाई जब फोन हाथ में आ जाएगा तभी देखते हैं, अभी तक के लिए जैसी सेंसर वेंसर देखने को लग रहे हैं अपने को, तो उस हिसाब से तो भाई कैमरा सर्टिफाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं कि सेल चिंता की, यानी कि यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप कैसा मिलने वाला है। तो भाई जितना ज्यादा बड़ा भाई उसको उतना ही कम बैटरी बैकअप यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं 11 प्रो प्लस की, तो यहाँ पे आपको 4500 mAh बैटरी देखने को मिलती है। जब थोड़ा सा बीच वाले भाई की बात करते हैं यानी कि 11 प्रो की, तो यहाँ पे आपको 5160 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और तो छोटा भाई है Redmi Note 11 यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 5000 mAh की बैटरी। लेकिन खुशी की बात ये है कि यहाँ पे सपाट चार्जिंग यानी कि बहुत फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो 11 प्रो के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 120 वाट की चार्जिंग यानी कि सुपर फास्ट चार्जिंग, जो कि बताया जा रहा है 15 मिनट में फोन को 0 to 100 चार्ज कर देगी। जब छोटे वाले भाई के पास आते हैं यानी कि Redmi Note 11 प्रो की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 67 वाट की चार्जिंग, जो कि भाई 43 मिनट में आपका फोन 0 to 100 चार्ज कर देगी। और जब छोटे भाई के पास आते हैं बिल्कुल Redmi Note 11 की, तो भाई यहाँ पे आपको 33 वाट की चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि 62 मिनट के अंदर आपका फोन चार्ज कर देगी। तो भाई बैटरी की स्पीड देख के तो लग रहा है कि मतलब यार काफी सहनशीलता के ऊपर वर्क किया है, बैटरी बैकअप आपको सही मिल ही जाएगा, 4500 mAh भी काफी बढ़िया है, 5000 mAh बैटरी तो वैसे ही बढ़िया है, तो यार मतलब अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर इंडिया में 120 वाट की चार्जिंग आ जाती है भाई इस रेट के अंदर, तो भाई काफी मतलब झुकझुक फास्ट चार्जिंग हो जाएगी, एकदम मजा आ जाएगा। तो अभी के लिए तो मेरे हिसाब से तो भाई इनकी सहनशीलता सर्टिफाइड है। अब बात करते हैं कि भाई रोकड़ा कितना है, यानी कि कितने प्राइस के इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं भाई ये तीनों के तीनों वेरिएंट। तो यहाँ पे खुशी की बात ये कि यहाँ पे इस बार 64 GB का कोई वेरिएंट देखने को नहीं मिलता, मिनिमम आपको 128 GB किसी ना किसी फोन के अंदर देखने को मिलेगी। हाँ Redmi Note 11 के अंदर आपको रैम 4 GB की मिल जाएगी देखने को, लोअर वेरियंट में 6 GB की देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन दोनों बड़े भाइयों के अंदर मिनिमम रैम आपको यहाँ पे 6 GB की देखने को मिलेगी। तो यार जैसे चाइना में लॉन्च के हिसाब से अगर बताए तो Redmi Note 11 का वहाँ पे रेट करीबन पड़ता है 1200 yuan, यानी कि 1200 yuan इंडिया में करीबन कन्वर्ट होकर आता है 14 से 15 हजार रुपए। जब बात करते हैं यहाँ पे 11 प्रो की, तो वहां पे इसका रेट है करीबन 1600 yuan, तो इंडिया में बैठता है अभी 18-19 के करीब। और जब बात करते हैं सबसे बड़े भाई की यानी कि 11 प्रो प्लस की, तो करीबन उसका बैठता है 1800 yuan यानी कि 20 से 21। तो डायरेक्ट अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो रेट ठीक लग रहे हैं, लेकिन अगर मेरे हिसाब से थोड़ा 1000 और कम हो जाए ना, तो भाई एकदम बढ़िया से फोन हो जाएंगे। ओवरऑल अगर फोन के बारे में बताओ तो भाई डिसेंट फोन लग रहे हैं स्पेसिफिकेशन और ये सब फीचर देख के, लेकिन कुछ चीज मेरे को नेगेटिव लगी। एक तो यार कि पिछली बार यहाँ पे Redmi Note 10 के अंदर यहाँ पे आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार IPS स्क्रीन कर दिया, तो थोड़ा उसका दुख हुआ। साथ के साथ यहाँ पे आपको हार्डवेयर बेस्ड कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की है तीनों ही फोन के अंदर, तो भाई पता नहीं आपका डेटा चाइना के पास जाएगा नहीं जाएगा उसकी गारंटी मैं तो नहीं ले सकता। साथ के साथ यहाँ पे कोई ऐसे फीचर के बारे में नहीं बता गया जो कि आजकल आपको एंड्रॉइड फोन के अंदर देखने को मिल रहा है कि आप डायरेक्ट अपना डेटा विंडोज के साथ सिंक विंक कर सकते हो, अपना डेटा वेटा भेज सकते हो, स्टडी मटेरियल की फाइल आपको इमीडिएट भेजनी हो तो वो भी देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि आजकल मोटरोला भी अपने मिड रेंज फोन के अंदर ये सब चीजें लाने लगा है, तो वो कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सारी की सारी चीजें तभी क्लियर होंगी जब ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा, तभी हमको पता चलेगा भी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तब तक तो हम तुक्के ही मार सकते हैं। मोस्टली कुछ चीजें हो सकती है शायद Xiaomi चेंज कर सकता है यहाँ पे, लेकिन ये तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को करें लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही कॉमेडी का मसाला डाल के हम टेक की वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हेलो मानी जी, अरे यार जियो का रिचार्ज करा दो यार मेरा।